नमस्ते, हेलो और गुड टाग दर्शकों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है अवंतक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, नॉमिनेटिव काजूस। तो नॉमिनेटिव के साथ साथ हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि एक केस क्या होता है, एक कारक क्या होता है, और जर्मन में कारक के कितने प्रकार हैं, या फिर कर्ता कारक हिंदी में क्या है और जर्मन में क्या है, उनके बीच का एक डिफरेंस, मतलब हिंदी का और जर्मन का एक डिफरेंस। साथ साथ हम पढ़ेंगे कि नॉमिनेटिव केस में कौन सी प्रकार की वर्ब्स होती हैं, क्रिया होती हैं, डेफिनेटिव आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल और बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये जानने से पहले कि नॉमिनेटिव काजूस क्या है या फिर जर्मन में कितने टाइप के केसेस होते हैं, हमारा ये जानना जरूरी हो जाता है कि कारक मतलब कि एक कोई भी ग्रामेटिकल केस क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी कारक मतलब इसकी एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास हिंदी में, वो ये है कि जब भी किसी नाउन की मतलब संज्ञा, प्रोनाउन की और रिलेटेबल या सामान्य जो भी हमारे पास ग्रामेटिकल स्पीचेस हैं जैसे कि एडजेक्टिव्स या आदि की एक श्रेणी बनती है तो वह एक कारक है, मतलब कि इन सब चीज़ों को मिलाकर एक सेंटेंस बन रहा है, एक वाक्य बन रहा है और वो वाक्य हमें समझ में आ रहा है। जैसे कि हमारे पास है दी जोना शाइंड, इसका मतलब हुआ द सन इज शाइनिंग। हिंदी में कहें तो सूरज चमक रहा है। सूरज आपका नाउन हुआ, संज्ञा हुई, चमक रहा है आपका वर्ब हुआ और इससे हमारा पूरा बना वाक्य। तो उस पूरे टर्म को हम कारक कहेंगे, मतलब केस कहेंगे। तो अब हमने ये तो जान लिया कि कारक क्या है, एक ग्रामेटिकल केस क्या है। अब हमारा जानना जरूरी होता है एक नॉमिनेटिव कारक मतलब एक नॉमिनेटिव केस क्या है। तो अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में हमारे पास एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही आसान परिभाषा है, वो ये है कि जब किसी भी संज्ञा मतलब हमारे पास संज्ञा है नाउन हम कहेंगे या फिर सर्वनाम प्रोनाउन का प्रयोग का यूज का प्रयोग किसी वर्ब मतलब कि क्रिया के कर्ता के रूप में होता है, मतलब डूअर के रूप में होता है, तब वह एक कर्ता कारक मतलब नॉमिनेटिव केस। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो सबसे बड़ा एग्जांपल हम पे ये है, सीता खाना खा रही है। सीता यहाँ पर क्या है, सीता यहाँ पर है एक नाउन, एक संज्ञा। एक नाउन को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं एक प्रोनाउन के द्वारा। तो अगर हम बोलेंगे कि वह खाना खा रही है तो यहाँ पे वह एक प्रोनाउन है और ये वाक्य भी ठीक होगा। हिंदी की परिभाषा जानने के बाद हम ये जानेंगे कि डॉयच में मतलब जर्मन में एक नॉमिनेटिव केस क्या है और कैसे अलग है। तो सबसे पहले अगर हम जर्मन की बात करें तो जर्मन भाषा में नॉमिनेटिव केस एक मूल है। मूल मतलब एक ओरिजिनल सेंटेंस है, इसके बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, इसके बिना कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। और इस पूरे वाक्य में मतलब किसी भी जर्मन वाक्य में जो हमारे पास एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, वही उस सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट ही एक वाक्य में नॉमिनेटिव केस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक सेंटेंस है जैसे कि देयर हुंड बेल्ट का मतलब इधर होता है टू बार्क। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें देयर हुंड मतलब द डॉग बार्क्स, द डॉग इज बार्किंग
तो यहाँ पे हमारे पास एक नाउन है, नाउन हमारा एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को, इस नाउन को हम बदल सकते हैं एक प्रोनाउन के साथ। जर्मन में अगर हम प्रोनाउन देखें देयर हुंड का, तो वो होता है एयर, तो हम ये भी कह सकते हैं एयर बेल्ट, मतलब ही बार्क्स। डिफरेंस ये है कि जर्मन में तीन तरीके के जेंडर्स होते हैं, जिनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है जी लाट, शी लाफ्स और शी इज लाफिंग। अब हमने ये तो देख लिया कि दो एग्जांपल्स हमारे क्या हैं। अब ये जानना जरूरी है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी केस में कोई नॉमिनेटिव सब्जेक्ट क्या हुआ। तो उसे जानने के लिए हमारे पास दो वेव रागा होते हैं। वेव रागा वैसे एक अलग टॉपिक भी है जिसकी वीडियो बहुत जल्द अपलोड भी होगी। तो ये जानना जरूरी है कि वेव रागा क्या बनता है। हमारे पास दो वेव रागा बनते हैं, वेयर मतलब कि हु और वास मतलब कि व्हाट। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है एक क्वेश्चन, एक वेव रागा, वो है वेयर श्राइब्ड, श्राइब्ड का मतलब होता है लिखना, श्राइब्ड दास, हु इज राइटिंग दैट। तो हमारा आंसर हुआ, हमारा ल्यूजिंग हुआ इश श्राइबर एट वास, मैं कुछ लिख रही हूं। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ, इसमें हम पूछ रहे हैं वेयर श्राइबर्स, तो हम यहाँ पे एक वेव रागा यूज कर रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारा सेंटेंस में, हमारे सेंटेंस में नॉमिनेटिव सब्जेक्ट कौन सा हुआ। जैसे कि इस सेंटेंस में श्राइब हमारी वर्ब हुई, ये हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है, और ये हमारा नॉमिनेटिव सब्जेक्ट मतलब कि कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, यहाँ पे हमने जैसे प्रोनाउन यूज किया है। सिमिलरली अगर हम वस की बात करते हैं, तो वस के लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, वास इस्त दास, वह क्या है। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है कि दास इस्त आइन हुंड, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसमें भी किसी भी नॉमिनेटिव सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो। अब हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है चर्चा करने के लिए, वो यह है कि नॉमिनेटिव केस या फिर कोई भी केस हिंदी में और जर्मन में कैसे डिफरेंट होता है। तो हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं। हिंदी में दो हमारे पास जेंडर्स हैं, सिमिलरली हमारे पास जर्मन में, डॉइच में तीन तरीके के जेंडर्स हुए, तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हिंदी में कोई भी आर्टिकल नहीं होता। आर्टिकल जैसे कि दी, ए, एन इंग्लिश वाले, और जर्मन में हमारे पास कई तरीके के आर्टिकल्स हैं, और ये डिपेंड करते हैं उनके केसेस पे। मेजरली अगर हम कैटेगरी करें, उसकी श्रेणी बनाएं, तो हमारे पास एक डेफिनेट आर्टिकल हुआ, एक इनडेफिनेट आर्टिकल हुआ, और बहुत सारे आर्टिकल्स जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल हुआ, नेगेटिव आर्टिकल हुआ, एक्सेट्रा। अगर हम केसेस की बात करें, मतलब कारक की बात करें, तो हिंदी में बहुत सारे कारक होते हैं, यह चार से भी ज़्यादा होते हैं। और अगर हम जर्मन की बात करें, तो जर्मन में चार कारक होते हैं जिनको हम अभी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नॉमिनेटिव काजूस है, या फिर नॉमिनेटिव कारक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को डिनोट करता है, सब्जेक्ट को समझाता है। अकुजेटिव और डेटिव की बात करें, तो ये किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं,
ऑब्जेक्ट इनमें दो तरीके के हैं, एक है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनकी डिटेल वीडियो भी जल्दी चैनल पे आएगी। अगर हम जेनेटिव की बात करें तो ये इंग्लिश पोजेसिव केस है, हल्का सा डिफरेंस है इसमें, बट ये ए टू लेवल तक इतना पढ़ने में नहीं आता। ए टू के बाद जो हाई लेवल्स हैं उसमें ये पढ़ने में आएगा। अब तक हमने नॉमिनेटिव के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जान ली हैं, अब हम जानेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल या फिर डेफिनेट आर्टिकल्स जर्मन में नॉमिनेटिव केस में क्या होते हैं। तो जैसे कि ये नाम सजेस्ट करता है, एक डेफिनेट आर्टिकल जैसे हम जर्मन में बोलते हैं बेस्टिम्ड आर्टिकल, और एक इनडेफिनेट आर्टिकल जिसे हम जर्मन में बोलते हैं अनबेस्टिम्ड आर्टिकल। इंग्लिश के आर्टिकल मतलब डेफिनेटिव आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल से बहुत सिमिलर होते हैं, बहुत ही सामान्य होते हैं, और ये जेंडर के थ्रू जेंडर के द्वारा ही डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन जेंडर हैं, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस में भी समझाया था। हमारे पास एक मैस्कुलीन है, मास्कुलीन, एक हमारे पास है फेमिनाइन, एक हमारे पास है नॉयत्राम, जो कि हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में आपने सुना होगा रापुंसेलिंग। और यहाँ पे हम डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन चल रही है इसलिए हम प्लूरल भी लिखेंगे। तो आप सीखते हैं कि बेस्टिम आर्टिकल और अनबेस्टिम आर्टिकल नॉमिनेटिव केस में क्या है। मैस्कुलिन देयर, फेमिनाइन दी, नॉत्रुम दास, प्लूरल दी। अनबेस्टिम आर्टिकल आइन, फेमिनाइन आइना, नॉत्रुम आइन, एंड प्लूरल में हमारे पास यह नहीं होता। साथ के साथ हमारे पास है नेगेटिव आर्टिकल्स। अब नेगेटिव आर्टिकल्स जो कि हैं वो हमने इतने सुना नहीं है कि इंग्लिश में प्रेजेंट हैं, लेकिन जर्मन में हैं। तो ये कैसे शुरू होते हैं, और ये बिल्कुल अनबेस्टिम आर्टिकल की तरह ही कॉन्जुगेट करते हैं, जैसे कि काइन काइना, फिर से काइन, और ये प्लूरल में होता है तो काइना दोबारा। कुछ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें आर्टिकल्स की, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेस्टिम आर्टिकल से। तो दी टू अ मतलब द डोर इज कापूट, मतलब द डोर इज ब्रोकन, या फिर दरवाजा टूटा हुआ है। अब हम बात करेंगे अनबेस्टिम आर्टिकल की, तो इसका हमारे पास एक एग्जांपल है दास इस्ट आइन हाउस, वह एक घर है, दास इस्ट आइन हाउस। नेगेटिव आर्टिकल का अगर हम एग्जांपल देखें तो हम इसी को चेंज कर देंगे, दास इस्ट काइन हाउस। यहां ये बात देखनी जरूरी है कि जेंडर कौन सा चल रहा है। जैसा हमारा जेंडर होगा वही हमारा आर्टिकल रहेगा, लेकिन अगर हमें जेंडर ही याद नहीं रहता तो आर्टिकल याद करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो जरूरी है कि A1 से ही हम आदत बनाएं यह देखने की कि कौन से जेंडर का क्या आर्टिकल बनता है।
और कौन से नाउन का क्या आर्टिकल है, कौन सा जेंडर है। अब हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव की वर्ब्स क्या होती हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल है ज़ाइन, दूसरा हाइजन, तीसरा वैडन, चौथा एग्जांपल लाइबन। ज़ाइन का मतलब हुआ टू बी। अगर हम इसका कोई सामान्य रूप देखें तो हम है बोलते हैं ना जैसे हिंदी में, तो इसका मतलब ही वही हुआ, किसी चीज का होना। हाइजन टू बी कॉल्ड, हिंदी में कहेंगे वह कहलाता है या फिर मेरा नाम कहलाता है। वैडन का मतलब टू बिकम, वह डॉक्टर बन गया या फिर उसे डॉक्टर बनना है। लाइबन टू रिमेन, या फिर दो मतलब है इसके, टू स्टे। चलिए देखते हैं इनमें से दो वर्ब्स का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है वैडन वर्ब के साथ, जी वेड आईना बेकरन, या फिर कोई भी प्रोफेशन जैसे डैश नीकरन। यहाँ पे जी हुआ आपका शी वेड टू बिकम आईना बेकरन, या फिर कोई भी प्रोफेशन अगर हम देखें तो आई एन लगता है जब भी हम किसी फीमेल प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो शी बिकम्स अ टेशनिकरन और अ बेकरन, विच मीन्स समबडी हु वर्क्स एट अ बेकरी, एक पर्सन जो कि बेकरी में काम करता है, या फिर समबडी हु वर्क्स इन अ टेक्निकल बैकग्राउंड, जो कि किसी टेक्निकल काम में काम करता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास हुआ लाइबन के साथ, टू रिमेन और टू स्टे पुट। लाइबन के साथ जैसे कि एयर, ब्लाइट, स्टम, वह चुप रहा। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंस की बात करें, इन दोनों वाक्य की बात करें, तो यहाँ पे जी हमारा नॉमिनेटिव सब्जेक्ट हुआ, वेड या और ब्लाइट हमारी वर्ब्स हुई, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा रिवीजन। तो हमने जाना इस वीडियो में कि नॉमिनेटिव वर्ब्स क्या है। हमने यहाँ पे चार बताए हैं। वक्त के साथ साथ जब हम आगे पढ़ेंगे A1 से लेकर B2 लेवल तक, तब हम और भी वर्ब्स जानेंगे नॉमिनेटिव की। साथ साथ हमने ये जाना था कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है, मतलब एस्टेम आर्टिकल, इनडेफिनेट क्या है, अनडेस्टेम आर्टिकल, नेगेटिव आर्टिकल क्या है। डेफिनेटिव आर्टिकल्स थे हमारे देयर, दी, दस, दी। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे थे आइन, आइना, आइन। और नेगेटिव आर्टिकल हमारे थे जो कि बिल्कुल इनडेफिनेट आर्टिकल की तरह फंक्शन करते हैं, काइन, काइना, काइन, काइना। साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल जाने थे जो कि आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। और अगर हम डिफरेंस की बात करें हिंदी ग्रामर और जर्मन ग्रामर की, तो हमने तीन ऐसी चीजें पाई थी जो कि हिंदी में नहीं होती, जैसे कि आर्टिकल्स, और हिंदी में चार से ज्यादा केसेस हैं, कारक हैं, और जेंडर। जर्मन में तीन जेंडर हैं जो कि हिंदी में नहीं होते, सिर्फ दो होते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये भी जाना था कि एक ग्रामेटिकल केस क्या है, एक कारक क्या है। उसके साथ हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था।
और हमने ये भी जाना था कि जर्मन लैंग्वेज में कितने प्रकार के कारक होते हैं, जो कि चार होते हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव और जेनिटिव। फिर हमने ये जाना था कि हिंदी में कारक क्या है, कर्ता कारक क्या है, साथ साथ जर्मन में नॉमिनेटिव क्या होता है, जो कि एक मूल होता है। पूरी वीडियो में हमने कुछ उदाहरण भी पढ़े थे, जिसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार दोबारा रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो करिए हमारी वीडियो को लाइक, जो आपके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कमेंट, और साथ के साथ ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए बेल आइकन को प्रेस करके कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते हैं आगे ऐसे ही वीडियोज के साथ।